नवाबों के शहर रामपुर के ऐतिहासिक नुमाइश ग्राउंड में हुनर हाट का आयोजन हो रहा है। 16 अक्टूबर 2021 से आरंभ होने वाली हुनर हाट में तैयारियों का जायज़ा लेने पहुंचे केंद्रीय अल्पसंख्यक कार्य मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी। देखिए किस तरह से पूरे हुनर हाट में घूमकर उन्होंने तैयारियों का जायज़ा लिया, और हम आपको ये भी दिखाएंगे कि क्या हुआ एक हादसा जिसमें नकवी बाल बाल बच गए। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी अपने 4 दिवसीय दौरे पर रामपुर पहुंचे, जहां पर उन्होंने सबसे पहले नवाबी दौरे की नुमाइश ग्राउंड में लगने वाली हुनर हाट का जायजा लिया। वहीं वह यहां पर आयोजित सभागार में मीडिया से रूबरू हुए ही थे कि अचानक से छत की सीलिंग फॉल से बराबर गिर गई, जिसके बाद वहीं नहीं आला अधिकारी भी चौंककर रह गए। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी के कोई चोट नहीं आई। आपको बताते चलें कि नुमाइश ग्राउंड में नवाबी दौर से नुमाइश चलती आ रही है, लोग बड़ी संख्या में पहुंचकर यहां पर मनोरंजन करते हैं। अब फिर से केंद्र सरकार की पहल के बाद यहां पर हुनर हाट लगनी शुरू हुई, जिसमें लोकल फॉर वोकल के तहत लजीज खाने, शहरों के मशहूर प्रोडक्ट लोगों को दिखाने और उनके ख़रीदारी के लिए रखे जाते हैं। 16 अक्टूबर से इस हुनर हाट की शुरुआत होनी है, जिसका उद्घाटन केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी द्वारा किया जाएगा। दोषी है उसके खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई होगी। किसी भी तरह के कोई जस्टिफिकेशन का प्रश्न नहीं होता, लेकिन कानून को अपने काम करने देना चाहिए। जो पॉलिटिकल परेड की प्रतिस्पर्धा चल रही है वो बंद होनी चाहिए। देखा जाए राजनाथ सिंह जी के बयान पर अकबरुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये लोग अब सावरकर को एक दिन राष्ट्रपिता बनाकर के छोड़ेंगे, इस पर क्या कहना? देखो भैया, इन लोगों ने जो सीडो सेकुलर ब्रिगेड है या छद्म धर्मनिरपेक्ष सिंडिकेट है, उसने सावरकर जी को जो है वो सांप्रदायिक बनाकर छोड़ दिया, और एक झूठे मनगढ़ंत किस्से कहानियों के आधार पर समाज में एक हिस्से में उनके प्रति नफरत पैदा की। जिनको उस सच्चाई को देखना है वो सिलेंडर जेल चले जाए। काला पानी, और काला पानी में लोग जो है नजरबंद नहीं होते, डरने की जरूरत नहीं है। जाएं, साहित्य देखें, उसका अध्ययन करें, और वीर सावरकर के जो ज्यादातर दोस्त थे वो मुस्लिम समाज के महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, जो सेलर जेल में थे। मैं तो खुद जाकर के देख के आया। इसलिए अब जिन लोगों ने जो है वो इतिहास को तोड़ मरोड़ करके अपने राजनीतिक स्वार्थों के लिए पेश किया था वो एक्सपोज में। अच्छा लखवी जी, लखीमपुर खीरी की जो घटना हुई थी, जिस दिन घटना थी उस दिन केवल राकेश टिकैत जो थे उनको वहां जाने दिया, बाकी सारे घटना की जांच हम नहीं कर रहे ना, तो जांच करने दीजिए। सर, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से उनकी पार्टी का उद्देश्य है कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बाहर करना। ऐसा है, बीजेपी को बाहर करते करते बहुत से लोग बाहर हो चुके हैं। तो आप थैंक यू। रामपुर से फहद खान के साथ तासीन मोहम्मद फयाज खान। आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बिना देर किए सब्सक्राइब कीजिए और घंटी की आकृति का बटन दबाएं, ताकि हमारा ताज़ा वीडियो अब तक सबसे पहले पहुंचे।